हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल KJ Revolution में। तो आज की इस वीडियो में ये हमारा कंटिन्यूटी का लेक्चर 6 है। तो 6 लेक्चर इम्पॉर्टेंट है, और अगर आप लोगों से मैं डिस्कशन में, चूँकि हर लेक्चर में और हर कॉन्सेप्ट के स्टार्टिंग में मैं आपको ये पहले बता देता हूँ कि कहाँ तक का आपका CBSE का पोर्शन था और वो क्या फिनिश हो गया है या नहीं हुआ है। तो इसी के बारे में मैं यहाँ पर भी आप सभी को डिस्कस करने वाला हूँ कि जो भी आपका CBSE बोर्ड का पोर्शन था 12th में, लेक्चर किस में, जो भी कंटिन्यूटी का चैप्टर था उसमें जो भी CBSE बोर्ड का पोर्शन था वो बोर्ड पोर्शन आपका फिनिश हो चुका है। यहाँ के बाद अगर आप चाहें तो इस टॉपिक को बोर्ड प्रस्पेक्टिव से आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका टारगेट JEE है तो उसके लिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। तो इसे ध्यान से पढ़िएगा और आपको बेसिक नॉलेज इसकी होनी भी चाहिए। क्लियर? तो क्या टॉपिक्स है आपका कंटिन्यूटी लेक्चर 6 में, क्या टॉपिक है? टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, कई बार आपको कोई भी क्वेश्चन दिया होता है और पूछ लेता है कि ये आपको डिसकंटिन्यूटी का कौन सा टाइप है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको JEE में इसकी हेल्प लगेगी, तो उसके लिए ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ध्यान से इसको हम स्टडी करेंगे और फुल क्लियर कॉन्सेप्ट करने वाले हैं इसको हम। ठीक है, लेकिन सबसे पहले समझना है हमें तो टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी मेजरली दो टाइप की होती है। क्या? एक रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी एंड एक नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, देन आपकी रिमूवेबल जो डिसकंटिन्यूटी है वो भी आपकी टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। फर्स्ट टाइप आपका क्या है? मिसिंग पॉइंट कंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी सॉरी, और सेकंड क्या है? आइसोलेटेड पॉइंट। ओके, और यहाँ पर नॉन रिमूवेबल भी आपकी तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। वो क्या है? फाइनाइट टाइप, इनफाइनाइट टाइप और ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो इन सारे टाइप्स को हमें अच्छे से डिस्कस करना है, इनके बारे में देखना है, समझना है क्या है, कैसे वर्क करते हैं, उसके बारे में प्रोसीजर हम सारा समझेंगे। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पर हैं जिसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारे किस टाइप के डिसकंटिन्यूटी के क्वेश्चन हैं, इसके बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है, कुछ भी हम अच्छे अच्छे डाउट यहाँ पर सीखेंगे, क्लियर करेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा और आइए देखते हैं अब हमारे टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी को। ठीक है, तो क्या है? सबसे पहले हम रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या होती है इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्या है फर्स्ट टाइप आपका? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ओके, डिसकंटिन्यूटी, क्लियर? इसके बारे में हम नॉलेज को एक्वायर करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये आपका क्या होता है, कैसे वर्क करता है, किस प्रोसीजर पर चलता है, ठीक है, इसको हम देखेंगे। तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या है इसके बारे में आप सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी में आपका सबसे पहले जो लिमिट है क्या, इसकी पहचान क्या है। कोई भी फंक्शन है, अगर हमें ये पता करना है कि वो इस टाइप के अंतर्गत आता है या नहीं आता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अब बात आती है क्या, तो सबसे पहले एक किसी एक सर्टेन पॉइंट पर चेक होती है। ओके, कोई आपको पॉइंट दिया होगा जिस पर पूछा जाएगा कि फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस है, तो उस पॉइंट के लिए ही हम रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी को स्टडी कर रहे हैं। तो जिस पॉइंट पर हमें टाइप पता करना है कि आपका ये रिमूवेबल है या नॉन रिमूवेबल है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले उस पॉइंट पर, लेट अस मैं वो पॉइंट एट आपका ए मान लेता हूँ। ठीक है ना, कि एट ए पर हमें कोई फंक्शन देखना है कि रिमूवेबल टाइप का है डिसकंटिन्यूटी वहाँ पर या नहीं है। तो सबसे पहले कंडीशन क्या है, अगर रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है तो क्या है, एक्स टेंडिंग टू ए पर जो भी उस फंक्शन की लिमिट है वो आपकी एग्जिस्ट करनी चाहिए। सबसे पहली एक कंडीशन है आपके लिए, क्लियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है। थोड़ा आप लोग रुकिएगा, मैं यहाँ पर आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग इसके लिए देखना, फिर बोल रहा हूँ। यहाँ पर जो भी आपकी लिमिट है, यहाँ पर फिर बोल रहा हूँ, ये आपकी क्या होनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो कोई फंक्शन है आपके पास,
किसी एक पॉइंट पर उसका टाइप अगर हमें पता करना है तो सबसे पहले हम उसका लिमिट फाइंड करेंगे, किस में, रिमूवेबल और नॉन रिमूवेबल में, ठीक है ना। अगर वो रिमूवेबल टाइप का है, कोई भी फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा है, क्लियर। अब डिसकंटिन्यूटी कितने टाइप, किस टाइप से मिलती है, ये मैंने आपको सारा डिस्कस अभी तक सीबीएसई बोर्ड का जो भी पोर्शन था उसमें डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पर तो हम केवल टाइप डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डिसकंटिन्यूटी आ रही है इसका मतलब क्या है, लिमिट आपकी फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं होगी, बस सिंपल। तो हमें क्या होना चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। तो अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है फंक्शन की उस सर्टेन पॉइंट पर, तो आपका किस टाइप का हो गया, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा, क्लियर सारे बच्चों को चमका। अब फंक्शन का वैल्यू डजंट मैटर, वो एग्जिस्ट कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, उसका हमें कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। तो अगर इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम बेटर अंडरस्टैंडिंग करें, ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू आइए इसको ब्लैक से ज़्यादा बेटर से बनाते हैं, ठीक है। तो क्या है, अगर एक कोई आपका फंक्शन है, क्लियर, जिसका लिमिट एग्जिस्ट करता है। अब फंक्शन का वैल्यू एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, ठीक है। कोई आइए ग्राफ लेते हैं, हम एक टाइप का देखते हैं, इस टाइप का कोई ग्राफ लेते हैं ऐसा, ठीक है। यहाँ पर एट ए एक पो इसको ले लेते हैं 2 एंड इसको ले लेते हैं 4, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं इसमें LHL का वैल्यू डिस्कस करूं तो भी 4 आ रहा है, और RHL का वैल्यू भी क्या आ रहा है, 4। और बेसिकली अगर मैं इसमें डिस्कस करूं तो फंक्शन लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 पर जो भी आपका फंक्शन है उसका लिमिट क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, विच इज फाइनाइट वैल्यू है, एग्जिस्ट करता है। तो अगर आप इस फंक्शन में देखें तो यहाँ पर आपका क्या है, लिमिट का वैल्यू एग्जिस्ट करता है। तो ये फंक्शन, अब फंक्शन के मान का कोई एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट कर भी सकता है लेकिन यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये बात समझ लीजिए। क्योंकि अगर यहाँ पर एग्जिस्ट कर गया देन फंक्शन का वैल्यू भी 4 हो जाएगा, और 4 हो गया तो ये तो डिसकंटिन्यूटी से ख़त्म, ये तो आपका क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस टाइप का हो जाएगा। तो सारा पोर्शन अपना गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, गड़बड़ा जाएगा कि नहीं गड़बड़ाया जाएगा। तो सबसे पहले तो इस टाइप को याद रखें कि लिमिट आपकी क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट। और अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, जैसे कि इस फंक्शन में लिमिट हमारी क्या आ रही है, 4, तो बिना आँख बंद करके, क्योंकि अगर ये आपने पता लगा लिया कि इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है तो आपका डेफिनेटली वो किस टाइप का है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करता है फिर भी डिसकंटिन्यूटी आ रही है, इसका मतलब वो किस टाइप का है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, क्लियर सारे बच्चों को समझा, चमका कि नहीं चमका, कि अगर कोई भी डिसकंटिन्यूटी आपकी इस टाइप की है कि जिसमें लिमिट उस पॉइंट पर एग्जिस्ट करता है तो वो किस टाइप में हो जाएगा, रिमूवेबल टाइप में हो जाएगा। अब लेकिन रिमूवेबल जो डिसकंटिन्यूटी है वो भी कितने टाइप की होती है, 2 टाइप में होती है। एक आपकी क्या होती है, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, एंड सेकेंड आपकी क्या होती है, आइसोलेटेड पॉइंट। इसको भी ध्यान से समझना है, ठीक है। तो अब आपको इस यहीं पर मैं क्लीन करता हूँ क्योंकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग करना है, ठीक है। अब लेकिन रिमूवेबल के अंतर्गत ये आते हैं कौन से, 2, समझना, यहीं पर डिस्कस करते हैं। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के अंतर्गत कितने टाइप आते हैं, 2 टाइप। एक फर्स्ट टाइप आपका क्या है, फर्स्ट टाइप आपका है मिसिंग पॉइंट, क्लियर, डिसकंटिन्यूटी। एंड आपका सेकंड टाइप क्या है, आइसोलेटेड डिसकंटिन्यूटी, सॉरी आइसोलेटेड पॉइंट और डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। ये 2 टाइप है, क्लियर सारे बच्चों को समझ में आ रहा है, 2 टाइप है, एक मिसिंग पॉइंट है और एक हमारा क्या है, आइसोलेटेड पॉइंट, इनको समझना है। तो अगर दोनों की बात करें तो टाइप तो किसके हैं, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के, तो मिसिंग पॉइंट में भी आपका लिमिट एग्जिस्ट करने वाला है और आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी में भी आपका लिमिट एग्जिस्ट करेगा ही, ठीक है। तो इस टाइप में भी आपका लिमिट एग्जिस्ट करेगा, इस टाइप में भी लिमिट एग्जिस्ट करेगा, तो लिमिट का कॉन्सेप्ट तो इनमें क्लियर हो गया। अब अगर इनका टाइप बदला है तो किस पे बेसिस पे बदला होगा, फंक्शन के वैल्यू के बेस पे बदला होगा। क्योंकि एक अगर डिसकंटिन्यूटी या कंटिन्यूस आपको पता है, जो मैंने डिस्कस किया था, तो कंटिन्यूस कब होता है कि लिमिट उस पॉइंट पर
उस फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होना चाहिए। तो मेजरली अगर हम डिस्कस करें तो कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी किन चीज़ों पे निर्भर कर रही है, दो 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 तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक तो लिमिट पर और एक फंक्शन की वैल्यू पर। तो अगर इन्हीं में चेंजेस होंगे तो हमें वेरिएबल टाइप्स मिलेंगे, कई प्रकार के टाइप मिलेंगे। तो अगर इन दोनों में कोई डिफरेंस है तो वो किस पर होगा, क्योंकि इन दोनों की लिमिट तो सेम है, मतलब एग्जिस्ट करती है, क्योंकि ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के अंतर्गत आते हैं। तो अब इनमें अगर कोई भी वेरिएशन आया है तो किस पर, किस बेसिस पे आया होगा, आपके फंक्शन के वैल्यू के बेसिस पे आया होगा। फंक्शन का वैल्यू जरूर कुछ अलग हो रहा होगा, कुछ अलग टाइप से दे रहा होगा, उसी के बेस पर ही आपको दो टाइप के डिसकंटिन्यूटी मिल गए हैं अलग से, ठीक है। तो अगर देखें मिसिंग पॉइंट कंटिन्यूटी क्या होती है, डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, जिसमें आप उस पॉइंट पर अगर फंक्शन का वैल्यू देखें तो वो डज नॉट एग्जिस्ट, क्लियर। आपका जो फंक्शन का वैल्यू है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा, क्लियर। लिमिट एग्जिस्ट करती है लेकिन मिसिंग पॉइंट, उस पॉइंट पर, नाम ही से समझ में आ रहा है, मिसिंग पॉइंट मतलब उस पॉइंट पर कोई फंक्शन का वैल्यू ही नहीं होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, फंक्शन का कोई वैल्यू नहीं मिलने वाला, ठीक है। इसे बेटर एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। जैसा फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने लिया भी था, यहाँ पर क्या था, अभी लिया था कि नहीं लिया था, इस टाइप का एक फंक्शन लिया था जहाँ पर लेटर्स ए, ए के लिए पढ़ रहे हैं, यहाँ पर एल। तो यहाँ पर लिमिट तो आपका क्या है, एल है, लेकिन ए पर कोई फंक्शन का वैल्यू डिफाइन नहीं है, क्या है, नॉट डिफाइन, डिफाइन है क्या, नहीं है। तो फंक्शन का वैल्यू डिफाइन नहीं है, इसलिए किस टाइप की आपकी कंटिन्यूटी, सॉरी डिसकंटिन्यूटी हो गई। ए पहले तो आपका रिमूवेबल है, और रिमूवेबल में भी कौन से टाइप का कंटिन्यूटी है, डिसकंटिन्यूटी, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी है, क्लियर। अगर मिसिंग पॉइंट की बात करें तो कौन सी दो कंडीशन फॉलो कराना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन उसका लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए क्योंकि रिमूवेबल के अंतर्गत आता है, और सेकंड कंडीशन जिस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा है वहां पर फंक्शन का वैल्यू डिफाइन नहीं होना चाहिए, क्लियर। सारे बच्चों को चमका के नहीं चमका, क्लियर, आगे बढ़े। अब बात करते हैं आइसोलेटेड पॉइंट पर, कि आइसोलेटेड पॉइंट क्या होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो आपका फंक्शन का वैल्यू है वो डिफाइन तो होता है, ओके, फंक्शन का जो वैल्यू है वो डिफाइन तो होता है, लेकिन फंक्शन का वैल्यू लिमिट के इक्वल नहीं होता है, क्लियर। फंक्शन का इसी में देख लेते हैं, ठीक है, इसी एग्जांपल में थोड़े, ठीक है, अलग से एग्जांपल एक मैं बना देता हूँ आपके लिए। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, जहाँ पर आपका ए इस टाइप से है, ए, ठीक है, यहाँ पर आपका 2 है, लेट अस यहाँ पर 3 है, और 2 पर वैल्यू डिफाइन है लेकिन वो क्या है, आपकी 4 है, क्लियर, क्लियर। अब 2 पे इसका देखें हम तो लिमिट आपका क्या आता है, 3 आ रहा है, ठीक है। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 पर फंक्शन का लिमिट क्या आया, आपको 3 मिला, ठीक है, लेकिन 2 पर फंक्शन का वैल्यू क्या मिला, 4 मिला। अब बताइए लिमिट भी आपकी एग्जिस्ट करती है, क्लियर, और फंक्शन का वैल्यू भी आपको क्या है, डिफाइन है, फिर भी आप देखें तो ये क्या है, डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बताइए आप, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा है क्योंकि ये वैल्यू आपकी इक्वल नहीं है, क्लियर। तो ये आपका कौन सा टाइप हो गया, यहाँ पर पॉइंट आपको उस फंक्शन पर डिफाइन भी है, एक एग्जिस्ट वैल्यू दे रहा है, फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी के अंतर्गत आ जाएगा, क्लियर। सारे बच्चों को समझ में आया, देखो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत समझने वाला पोर्शन है, फिर बता रहा हूँ ध्यान से समझना, क्लियर, क्योंकि जब तक आप एक टाइप नहीं समझेंगे ना, और इम्पोर्टेंट जेई के प्रस्पेक्टिव से फिर मैं बोल रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, और केवल आपको क्वेश्चन दिया होगा, पूछा जाएगा कौन से टाइप का है, तो ये आपको आना चाहिए, क्लियर। तो क्या है, समझ में आया कि नहीं आया, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी आपकी क्या है, सबसे पहले उसमें लिमिट आपका एग्जिस्ट करना चाहिए उस पॉइंट पर, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपका लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, क्लियर। और
लिमिट एग्जिस्ट करता है तो हम मान लेंगे वो हमारा किसके अंतर्गत है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के अंतर्गत है। अब सेकेंड स्टेप इसमें क्या है कि रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी भी आपकी दो टाइप्स की होती है। फर्स्ट टाइप आपका मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, सेकेंड टाइप आपका आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। अब मिसिंग पॉइंट में क्या होता है, अगर आप फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पर देखते हैं तो क्या आता है, नॉट डिफाइंड, डज नॉट एग्जिस्ट, फंक्शन का वैल्यू आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, जबकि आपकी लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है। क्लियर? तो हम किस टाइप में उसको रखेंगे, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी में रखेंगे। क्लियर? इस टाइप में। ओके, अब अगर बात करें आइसोलेटेड पॉइंट, तो फंक्शन का वैल्यू डिफाइन होगा लेकिन वो लिमिट जो भी है उस पॉइंट पर उसके इक्वल नहीं होने वाला। अगर क्योंकि अगर मान लीजिए अगर फंक्शन का वैल्यू लिमिट के इक्वल आ जाता तो फिर क्या वो डिसकंटिन्यूटी के टाइप में होने वाला था, वो तो आपका कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाता ना। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो ये आपका क्या हो जाएगा, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। क्लियर? लिमिट भी एग्जिस्ट करेगा उस पॉइंट पर, फंक्शन का वैल्यू भी डिफाइन होगा लेकिन दोनों इक्वल नहीं होने वाले। तो उसे हमने इस एग्जांपल के थ्रू देख लिया। यहाँ पर आपका लिमिट क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पर 4 आ रहा है। लिमिट भी एग्जिस्ट है, फंक्शन का वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन दोनों इक्वल नहीं है। क्लियर? इतना चीज सारे बच्चों को समझ में आया? और अगर चाहें सारे बच्चे इस टॉपिक को, मैंने जो यहाँ पर लिख दिया उसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, सारे बच्चे इस टॉपिक को नोट डाउन कर लें। ओके, वीडियो को पोज करके यहाँ पर इस सारे टॉपिक को आप सभी नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़े। ठीक है, तो अब हमारा सेकंड टाइप आता है नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। क्लियर? उसकी ओर हम मूव करने वाले हैं। ठीक है, उसको हम समझेंगे कि ये हमारा क्या होता है। तो सारे बच्चे ध्यान से पढ़िए क्योंकि ये टॉपिक अच्छा टॉपिक है, इसमें आप सभी को मजा भी आने वाला है। क्लियर? चलो तो अब देखते हैं हमारा सेकंड टाइप हमारा क्या है, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। देखो, रिमूवेबल और नॉन रिमूवेबल अगर ये दो टाइप में हमारे बांटे गए हैं तो इसको किस बेसिस पे बांटा गया, हमारा लिमिट के बेसिस पे इन दोनों टाइपों को बांटा गया है। और अगर इन दोनों टाइप को हमने डिफरेंस किया है तो किस बेसिस पे किया है, फंक्शन के वैल्यू के बेसिस पे किया है। ये सभी आपने अभी देख ही लिया है। तो अब नॉन रिमूवेबल किस टाइप के अंतर्गत आने वाला है देखते हैं। ठीक है, अगर कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पर क्या है, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के अंतर्गत आता है। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के अंतर्गत आता है। तो इसका सिंपल यहाँ पर नॉन, ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, सिंपल डिस्कस करते हैं। कब होगा कोई भी फंक्शन आपका नॉन रिमूवेबल फंक्शन, जब हम किसी पॉइंट पर, अब पॉइंट आपको बेसिकली एट ए ही पे लेने देते हैं, ए पॉइंट पर, स्मॉल ए पॉइंट पर हम चेक कर रहे हैं। तो अगर हम लिमिट निकालें एक्सटेंडिंग टू ए पर उस फंक्शन का, तो लिमिट क्या नहीं होना चाहिए, डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। तो वो किस टाइप में आ जाएगा, आपका नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के अंतर्गत आने वाला है। क्लियर? फिर देखिए, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर गया तो किसके अंतर्गत, रिमूवेबल, और लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया तो किसके अंतर्गत आ गया, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के अंतर्गत आ जाएगा। क्लियर हुआ सारे बच्चों को? देखो, बहुत ध्यान से पढ़ना आप सभी, फिर मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अगर टाइप्स नहीं समझेंगे ना, कॉम्प्लिकेटेड है, टाइप समझे तो सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिए। ओके, क्या है नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, सिंपल है, कोई जिस पॉइंट पर आपको चेक करना है उस पॉइंट पर आप उस फंक्शन का लिमिट निकालें। अगर लिमिट आपका एग्जिस्ट नहीं करता वो किसके अंतर्गत आएगा, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के अंतर्गत। ठीक है, अब बताइए, ए भी आपकी 3 टाइप में होती है। एक आपकी क्या होती है, फाइनाइट। ओके, एंड सेकेंड टाइप आपका क्या होता है, इनफाइनाइट। क्लियर? और थर्ड टाइप आपका क्या होता है, ऑसिलेटरी। ठीक है, ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी। अब ये 3 टाइप आपके किस तरीके से निर्धारित किए गए हैं इसको हम देखेंगे कि आपका नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी 3 टाइप में किस टाइप से डिवाइड हो गया। ठीक है, किस प्रकार हमने इसको बांट दिया। अब आप बताइए, यहाँ पर तो केवल लिमिट का कॉन्सेप्ट है, कोई फंक्शन का नहीं आने वाला, फिर बोल रहा हूँ। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही तो हम फंक्शन की वैल्यू के लिए क्यों जाएंगे, जब लिमिट एग्जिस्ट करती है तब हम फंक्शन की वैल्यू को देखते हैं। अब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो टाइप
कहाँ किस बेसिस पे हमारे बने होंगे ये तीनों टाइप? आपके लिमिट के बेसिस पे बने होंगे। रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी में किसके बेसिस पे बने थे? आपके फंक्शन के बेसिस पे। अब यहाँ पर आपके किसके बेसिस पे बनेंगे? लिमिट के बेसिस पे। अब यहाँ पर मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बताना भूल गया हूँ, मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जो रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी है आपकी, वहाँ पर क्या होता है कि आप कोई लोचा लगा के उसको कंटिन्यूस बना सकते हैं। कोई भी लोचा लगाने पर, जैसे यहाँ पर मिसिंग पॉइंट है, आप फंक्शन में कोई भी टाइप का कुछ भी क्रिएटिविटी करने के बाद फंक्शन का वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं वहाँ पर। ऐसा कुछ करें फंक्शन में कि आपका वैल्यू वहाँ पर उस पॉइंट पर डिफाइन हो जाए, ठीक है। तो मिसिंग पॉइंट आपका कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा? आपका एक कंटिन्यूस फंक्शन में हो जाएगा। यहाँ पर भी आइसोलेटेड पॉइंट में क्या होता है, आपका फंक्शन का वैल्यू लिमिट के इक्वल नहीं आता है, तो कोई भी लोचा लगा के वो इक्वल आ सकते हैं। तो ए क्या है? रिमूवेबल मतलब इसको हम बदल सकते हैं। किस में? एक कंटिन्यूस में, कंटिन्यूटी में इसको बदल सकते हैं। डिसकंटिन्यूटी है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या हुआ, रिमूवेबल मतलब डिसकंटिन्यूटी, मतलब इस डिसकंटिन्यूटी को हम चेंज कर सकते हैं। किस में? कंटिन्यूटी में। क्लियर? तो मिसिंग पॉइंट में आया, आइसोलेटेड, इन दोनों को हम चेंज कर सकते हैं एक कंटिन्यूटी फंक्शन में। क्लियर? इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। लेकिन यहाँ पर नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी मतलब इसको हम चेंज किसी भी टाइप से हम क्या नहीं कर सकते, एक कंटिन्यूटी में चेंज नहीं कर सकते। क्लियर? तो यहाँ पर ए डिस्कशन रह गया था, जिसको मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। अब देखते हैं, तो नॉन रिमूवेबल क्या होगा, सॉरी, कितने टाइप से? तीन टाइप से। अब फाइनाइट, इनफाइनाइट, ऑसिलेटर। अब ये बताइए आप कि लिमिट आपकी एग्जिस्ट कितने टाइप से नहीं करेगी, ये आपको सभी को पता होना चाहिए कि डज नॉट एग्जिस्ट। क्या क्या केसेस हो सकते हैं? जितने केस हो सकते हैं उतने ही आपके टाइप हैं। तो क्या होगा कि आपका जो LHL है, क्या है आपका LHL, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, ठीक है, डिफाइन होना चाहिए। क्लियर? आपका जो LHL है वो क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। आपका RHL है वो भी क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। क्लियर? लेकिन व्हाट, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, तो ये तो आपका क्या हो गया, इस केस में आपका क्या हो गया, आपका लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। क्लियर? आपका लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया क्योंकि यहाँ पर LHL भी डिफाइन था, RHL भी डिफाइन था, लेकिन वो आपस में इक्वल नहीं थे। क्लियर? तो ये आपका क्या हो गया, एक फाइनाइट टाइप हो गया। फाइनाइट क्यों? क्योंकि यहाँ पर LHL और RHL की वैल्यू फाइनाइट आ रही हैं, भले ही वो इक्वल नहीं आ रही हैं। अब सेकंड क्या है, इनफाइनाइट टाइप। इनफाइनाइट टाइप में क्या होगा कि LHL डज नॉट एग्जिस्ट, या तो आपका LHL एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए या और आपका RHL एग्जिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट करना चाहिए। तो ये आपका किस टाइप का हो गया, इनफाइनाइट। और दोनों भी हो सकते हैं, दोनों में से दोनों ही अगर एग्जिस्ट नहीं करें तो भी वो हमारा किस टाइप का होगा, इनफाइनाइट टाइप का होने वाला है। क्लियर सारे बच्चों को? अब ऑसिलेटरी, ठीक है ना, ऑसिलेटरी क्या है आपका, ऑसिलेटरी में देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके बार बार क्या होने वाला है, वैल्यू को रिपीट होंगे, लिमिट का कोई एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलने वाला है, ठीक है। टाइप इसको ध्यान से समझना क्योंकि कई बच्चों को इसी में कन्फ्यूजन होती है, वो फाइनाइट टाइप और इनफाइनाइट टाइप तो ईजिली समझ लेते हैं लेकिन ऑसिलेटर को नहीं समझ पाते। तो इसे ध्यान से समझना क्या है, ये इसे बहुत अच्छे एग्जाम्पल से अभी आपको समझाऊंगा। ऐसा जहां पर देखो ऑसिलेटर कहा है, जहां पर लिमिट का वैल्यू इज नॉट अ यूनिक वैल्यू, ठीक है ना, यहाँ पर लिमिट का वैल्यू आपका यूनिक नहीं होने वाला, कोई भी एक इंटरवल में आपको लिमिट दिया होगा। अब इसको कैसे देखें, तो इसको बहुत अच्छे एग्जांपल से हम अंडरस्टैंड करेंगे। कौन सा एग्जांपल? अब बताइए लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो पर आपका कौन सा एग्जाम्पल है, साइन वन अपॉन एक्स, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, इसी के थ्रू इसको हम समझ सकते हैं। अब बताइए अगर यहाँ पर मैं लिमिट आपको लगा दूँ तो क्या आने वाला है, साइन
इन्फिनिटी। अब बताइए, अब साइन इन्फिनिटी दैट इज साइन का वैल्यू अगर हम कोई भी बड़ा नंबर रखें तो यहाँ पर तो हम कन्फ्यूजन हो जाएगा ना, तो फिर हम क्या करेंगे, चूँकि हमें पता है कि साइन का जो भी आपका ग्राफ होता है वो क्या होता है, प्लस वन से माइनस वन के बीच में लाई करता है, तो हम क्या बोलेंगे कि भले ही साइन इन्फिनिटी है लेकिन अभी हमें इन्फिनिटी का वैल्यू ही पता नहीं है, तो इन्फिनिटी का हम क्या बताएंगे मान, तो हम डायरेक्ट क्या कह देते हैं, जब भी कोई भी मान होगा वो आपका माइनस वन से प्लस वन के बीच में ही लाई करेगा। अब यहाँ पर हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाए, एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास थी ही नहीं क्योंकि इन्फिनिटी का ही वैल्यू हमारे पास ज्ञात नहीं है, तो हम साइन इन्फिनिटी का वैल्यू कैसे बताएंगे, लेकिन हमारे पास एक नॉलेज है कि जब भी साइन का वैल्यू होता है वो माइनस वन से प्लस वन के बीच में होता है, तो सिंपल इसका एक इंटरवल में हम आंसर दे सकते हैं, तो लिमिट यहाँ पर भी एग्जिस्ट नहीं है क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आई ना, इंटरवल में आई, तो इस टाइप की लिमिट को हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी लिमिट। क्लियर, एक ऑसिलेटरी, एक आपको इंटरवल मिलता है, ठीक है ना, आवर टाइप का, ठीक है ना। अब ये आपको सारे टाइप समझ में आए कि नहीं आए, फिर मैं देखो एक बार फिर, अगर आप सभी ने ये नोट डाउन ना किया हो सब इस सारे पोर्शन को नोट डाउन कर लें, क्लियर। अब मैं एक बार और रिपीट करता हूँ आप सभी को सारे पोर्शन, उसके बाद हम क्वेश्चंस पर मूव करेंगे और पहचानेंगे ये हमारे किस टाइप के डिसकंटिन्यूटी है या कौन से टाइप का ये आपका डिसकंटिन्यूटी है उसको देखेंगे। तो क्या है टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हम डिस्कस कर रहे थे, रिमूवेबल और नॉन रिमूवेबल। रिमूवेबल कौन होता है, जहाँ पर उस फंक्शन पर आपका लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, और नॉन रिमूवेबल आपका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। क्लियर, अब रिमूवेबल भी आपका दो टाइप का होता है, मिसिंग पॉइंट एंड आइसोलेटेड पॉइंट। यहाँ पर मिसिंग पॉइंट में आपका उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू डिफाइन नहीं होगा, और आइसोलेटेड पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू तो डिफाइन होगा लेकिन वो किसके इक्वल नहीं होने वाला, लिमिट के इक्वल नहीं होगा। तो आया ये दोनों समझ में आए। अब नॉन रिमूवेबल में आपका लिमिट तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, लेकिन अब लिमिट तीन टाइप से आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, किस टाइप के, आपका LHL और RHL का वैल्यू क्या होना चाहिए, फाइनाइट, लेकिन इक्वल ना होगा, ठीक है, तो वो किस टाइप का होगा, फाइनाइट टाइप। अब इनफाइनाइट में या तो आपका LHL इनफाइनाइट होगा या आपका RHL, और अगर दोनों भी हो जाए तो भी वो किस टाइप का होगा, इनफाइनाइट टाइप का। अब ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी क्या होती है उसके बारे में भी डिस्कस किया कि आपका जो भी लिमिट आएगा वो यूनिक नहीं आने वाला है, किसी एक इंटरवल में आने वाला है। क्लियर सारे बच्चों को, अब हम नेक्स्ट टाइप को मूव करें, ठीक है, टाइप तो सारे हो गए, क्वेश्चंस पर मूव करते हैं। क्लियर, तो अब हम देखते हैं हमारे क्वेश्चंस को। क्लियर, तो एक एक करके क्वेश्चंस को हम फिनिश करेंगे, ठीक है, तो सारे बच्चे क्वेश्चंस को तैयार करें और पहचाने कि कौन सा क्वेश्चन आपका किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को शो करता है। क्लियर, तो क्या है आपका एग्जांपल जो फर्स्ट है वो क्या है, फर्स्ट जो एग्जांपल है वो है आपका fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स माइनस वन, और एट x इज इक्वल टू वन पर हमें शो करना है हमारी डिसकंटिन्यूटी। क्लियर, तो किस टाइप की है, तो सबसे पहले अगर रिमूवेबल की है या नॉन रिमूवेबल की ये हमें पता लगाना है, तो हम क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन पर फंक्शन की लिमिट निकालेंगे, उससे हमें पता चलेगा। क्लियर कि क्या है आपका, ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन पर, अब आप बताइए क्या यहाँ पर आप डायरेक्ट वैल्यू वन एफ वन फाइंड कर सकते हैं, नहीं, क्यों, जीरो अपॉन जीरो, और ऐसा भी नहीं आप फंक्शन को चेंज नहीं कर सकते। क्लियर, फंक्शन को क्यों चेंज नहीं कर सकते, काट नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर x इक्वल टू वन एक कहीं नहीं दिया कि x का वैल्यू वन नहीं हो सकता, तो अगर जब तक आपको ये नहीं गिवन है कि x इज नॉट इक्वल टू वन तो आप फंक्शन को चेंज नहीं कर सकते। क्लियर, अब देखते हैं यहाँ पर लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू वन और fx आपका क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स माइनस वन। क्लियर, अब देखते हैं लिमिट x टेंडिंग टू वन, इसका फॉर्मूला लगाए तो इसको x प्लस वन एक्स माइनस वन अपॉन में x माइनस वन लिख सकते। क्लियर, अब बताइए, अब x टेंडिंग टू वन यहाँ पर x का वैल्यू आपका वन नहीं है, वन की ओर टेंडिंग कर रहा है, तो बताइए यहाँ पर क्या मैं x माइनस वन से x माइनस वन काट सकता हूँ, काट सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर नहीं काट सकता था, क्यों नहीं काट सकता था, क्योंकि यहाँ पर आपको कहीं नहीं गिवन था कि x का वैल्यू 1 नहीं है, लेकिन यहाँ पर चूंकि लिमिट है
टेंडिंग टू वन है, इसका मतलब वन नहीं है, तो यहाँ पर हमने x माइनस वन से x माइनस वन को कैंसिल कर दिया, क्योंकि फंक्शन को कभी वन मिलने वाला नहीं था। तो अगर आप यहाँ पर लगाएं तो वन प्लस वन दैट इज आपका टू, लिमिट का वैल्यू क्या आया, फाइनाइट आया, एग्जिस्ट कर रहा है, तो किस टाइप का हो गया, रिमूवेबल। क्लियर? तो आइए दोस्तों अब हम आगे का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, हमने इस फंक्शन पर x टेंडिंग टू 1 पर हमारा लिमिट फाइंड किया जो कि एक फाइनाइट वैल्यू आया। क्लियर? और एक क्यों काट पाए इसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूँ, क्या है कि अगर यहाँ पर x का वैल्यू 1 नहीं है, एग्जैक्ट 1 नहीं है, तब हमें ये x इज नॉट इक्वल टू 1, तो यहाँ पर हम इसको कट कर सकते हैं। क्लियर? तो ये हमारी वेस्ट क्वांटिटी हो गई, इसको कट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x प्लस वन बचा, यहाँ पर हमने टेंडिंग वन लगाया तो लिमिट वाला टू आ गया, लेकिन यहाँ पर x, यहाँ पर फंक्शन में ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं दिया कि x का वैल्यू वन नहीं हो सकता, वहाँ पर तो वन भी हो सकता। तो अगर हम f वन का वैल्यू फाइंड करें, क्योंकि यहाँ तक हमें ये लिमिट एग्जिस्ट हो गया तो ये तो पता चल गया कि रिमूवेबल का है, लेकिन रिमूवेबल में मिसिंग पॉइंट है या आइसोलेटेड पॉइंट, तो इसके लिए हमें f1 पर फंक्शन का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 आएगा, तो दैट इज 0 अपॉन 0, जो हमारा क्या आया, नॉट डिफाइन। मतलब यहाँ पर आपका फंक्शन का वैल्यू डिफाइन नहीं है, तो कौन से टाइप का ये आपका रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, लेकिन कौन से टाइप का हो गया ये आपका, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी हो गया। क्लियर? आया सारे बच्चों को समझ में, आया कि नहीं आया? ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, ठीक है। तो इसी टाइप के हमें क्वेश्चन करने हैं और ऐसे ही, लेकिन आपको कब कर पाओगे, जब आपने ये टाइप का डिस्कशन जो अभी मैंने इस लेक्चर में किया है इसको अच्छे से आपने देखा होगा तब, ठीक है। अब आइए सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या है, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू सिग्नम एक्स मॉडुलस सिग्नम एक्स, और इसी को ओपन करके लिख दिया है, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो पर वैल्यू वन दिया है, एक्स इज इक्वल टू जीरो पर जीरो दिया है। क्लियर? ए दिया है। तो आप सभी जानते हैं कि सिग्नम एक्स बेसिकली फंक्शन आपका क्या होता है, इस टाइप से होता है कि यहाँ पर आपका वन रहता है, यहाँ पर जीरो पे नॉट डिफाइन, कोई भी वैल्यू नहीं दी होती है, इस टाइप से। ये आपका प्लस वन होता है, ये आपका माइनस वन होता है, लेकिन अगर इसका मॉडुलस ले लिया जाए तो मॉडुलस की क्या प्रॉपर्टी होती है कि एक्स अक्ष के जो भी नीचे का पोर्शन है वो आपका क्या आ जाएगा, ऊपर। तो ये आपका इस टाइप से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, माइनस वाला ऊपर पहुंच गया, तो ये आपका ग्राफ किसका हो गया, सिग्नम मॉड एक्स का ग्राफ हो जाएगा। क्लियर? तो यही दिया है क्या कि एक्स का वैल्यू जब जीरो नहीं है तो आपका क्या है, सिग्नम मॉड एक्स का हर जगह वैल्यू वन है। क्लियर? तो यहाँ से ही हमें दिख रहा है, अगर इसका ग्राफ ही हमने ड्रॉ कर लिया तो हमें इस फंक्शन के बारे में सारी नॉलेज पता चल जाने वाली है, तो इसका ग्राफ ही ड्रॉ कर लेते हैं। क्लियर? तो क्या है आपका ग्राफ, बेसिकली ये आपका जीरो है, पॉइंट जीरो, तो यहाँ पर आपका क्या है, प्लस वन लेट अस मान लेते हैं, ठीक है। और जीरो पे वैल्यू आपका यहाँ पर कोई डिफाइन नहीं है, यहाँ पर आपका मॉडुलस सिग्नम एक्स का एक ग्राफ है। क्लियर? तो ये क्या है, वन पर आपका वाई इज इक्वल टू वन एक लाइन है, लेकिन इस यहाँ पर आपको क्या वैल्यू अलग से दी है, क्या दी है कि एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो पर, आप एक्स इज इक्वल टू जीरो पर वैल्यू आपको क्या दिया है, इसका जीरो दिया है, इस फंक्शन का जो भी आपको फंक्शन दिया है उसका वैल्यू आपको क्या दिया है, जीरो, ठीक है। तो अब बताइए, अगर आप देखें तो एल एच एल का वैल्यू क्या आया, वन, आर एच एल का वैल्यू भी क्या आया, वन, लेकिन एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल, अब बताइए क्या है, यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट का वैल्यू क्या आया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन पर एफ एक्स का मान क्या आया, वन आया। क्लियर? सॉरी, एक्स टेंडिंग टू जीरो पर, जीरो पर चेक कर रहे हैं, ठीक है, क्या आया, वन आया। सारे बच्चों को चमका कि नहीं चमका, लेकिन फंक्शन का वैल्यू क्या है, जीरो है, तो बताइए कौन सा टाइप हो गया, लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शन का वैल्यू भी डिफाइन है, लेकिन दोनों इक्वल नहीं है, ऐसा कौन सा टाइप आपको बताया था, ये आपका कौन सा हो गया, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी हो गया। क्लियर?
सारे बच्चों को चमका। क्वेश्चन आ रहे हैं समझ में? आपको क्वेश्चन दिया होगा, आपको टाइप पहचानना होगा, ठीक है? तो बहुत इजी है, लेकिन आपको महज टाइप पता होना चाहिए, तब आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है? आइए हम थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन किस टाइप से है आपका? क्या है थर्ड क्वेश्चन का डिस्कशन? देखते हैं क्या है। एफ एक्स इज इक्वल टू, क्लियर? देखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक फंक्शन दिया है माइनस एक्स प्लस टू, और एक्स एक फंक्शन एक्स लेस देन माइनस वन के लिए है, एक्स इज ग्रेटर देन माइनस वन के लिए आपका एक्स स्क्वायर है, क्लियर? ये फंक्शन है, तो देख लेते हैं। एल एच एल निकालना है किस पर? एक्स एक्स इज इक्वल टू वन पर चेक करना है एल एच एल। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन माइनस हो जाएगा, वन से छोट माइनस वन पर चेक करना है, सॉरी एक्स टेंडिंग टू माइनस वन पर चेक करना है। तो माइनस एल एच एल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। और फंक्शन हम कौन सा लेंगे? माइनस वन से छोटे के लिए कौन सा फंक्शन दिया है आपको? माइनस एक्स प्लस टू। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कराएं तो माइनस के वन आएगा, प्लस के टू आएगा, यहाँ पे प्लस वन प्लस टू, और ये आपका थ्री आ गया। एल एच एल का वैल्यू क्या मिल गया हमें? थ्री मिल गया, क्लियर सारे बच्चों को? एल एच एल थ्री आया। आर एच एल भी चेक कर लेते हैं, आर एच एल क्या आने वाला है? लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस वन प्लस हो जाएगा, तो उसके लिए एक्स स्क्वायर फंक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे? तो यहाँ पर माइनस वन का स्क्वायर होगा, क्लियर? प्लस वन आएगा कि नहीं आएगा? एल एच एल आपका थ्री आया, आर एच एल आपका वन आया, तो यहाँ पर क्या हो गया कि आपका एल एच एल है वो इज नॉट इक्वल टू आर एच एल के, क्लियर? आपका एल एच एल का वैल्यू आर एच एल के वैल्यू के इक्वल नहीं आया। मतलब यहाँ पर तो एक केस हो गया कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया। तो जब आपका लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हम किस पे जाएंगे? कौन सा टाइप हो गया? नॉन रिमूवेबल का हो गया। लेकिन उसमें भी कौन सा टाइप हो गया बताइए? आप यहाँ पर देखिए, लिमिट आपकी क्या है? फाइनाइट है कि नहीं आया? एल एच एल का वैल्यू भी आपका फाइनाइट है और आर एच एल का वैल्यू भी आपका क्या आया? फाइनाइट आया, लेकिन दोनों इक्वल नहीं आए, तो कौन सा टाइप हो जाएगा ये आपका? ये आपका टाइप हो जाएगा फाइनाइट, क्लियर? ये आपका नॉन रिमूवेबल है, लेकिन उसमें भी कौन सा टाइप हो गया? ये आपका फाइनाइट टाइप का, क्लियर? अगला देखें, सारे बच्चों को आया समझ में? और अगर आप इसका ग्राफ भी ड्रॉ करें तो किस टाइप का आएगा? यहाँ पर थ्री रहेगा, थ्री से आपका बेसिकली सीधी लाइन जाएगी, इस टाइप की लाइन होगी। और एक्स स्क्वायर का ग्राफ जीरो से माइनस वन यहाँ पर होगा, तो माइनस वन से बड़े के लिए किस टाइप से होगा? माइनस वन पर वैल्यू आपका वन होगा, तो यहाँ पर वन होगा, और क्लियर? इस टाइप से आपका ग्राफ बनने वाला है, ठीक है? ए ऐसा बनेगा ग्राफ, यहाँ पर क्या रहेगा? माइनस वन पर थ्री वैल्यू ये रहेगी, ए वैल्यू आपकी माइनस वन, ठीक है? तो क्या हो गया? ग्राफ में एक जंप आया ना, ठीक है ना? तो इसे फाइनाइट टाइप भी बोलते हैं, और कुछ किताबों में इसी को जंप टाइप भी बोलते हैं। तो जंप इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके ग्राफ में क्या आता है? जंप आता है, क्लियर? लिमिट एग्जिस्ट करती है, लेकिन इक्वल नहीं होने के कारण वहां पर क्या आ जाता है? जंप आ जाता है, क्लियर? आइए अब हम लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, वो हमारा क्या है? फॉर एग्जांपल आपका क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू वन वाई एक्स, और इसको एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे हमें फाइंड करना है। बताइए क्या आएगा? एल एच एल आप निकाल ले तो भी लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस वन वाई एक्स आएगा, यहाँ पर वन वाई जीरो डेट इज माइनस के इन्फिनिटी, ठीक है? माइनस के इन्फिनिटी आएगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से निकाल लें तो माइनस के इन्फिनिटी आएगा। और आर एच एल से निकालेंगे तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस वन अपॉन एक्स, तो क्या आएगा? प्लस इन्फिनिटी। और अगर आप इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना चाहें तो यहाँ से इस टाइप से होता है, यहाँ से इस टाइप से होता है, तो जीरो पे टेंडिंग यहाँ पे करेंगे तो आपको माइनस इन्फिनिटी मिल रहा है, यहाँ से टेंडिंग करेंगे प्लस इन्फिनिटी मिल रहा है। बताइए कौन सा टाइप हो जाएगा? एल एच एल भी आपका इनफाइनाइट आया, आर एच एल भी आपका इनफाइनाइट आया, तो ये आपका क्या हो जाएगा? नॉन रिमूवेबल है, लेकिन उसमें भी कौन सा टाइप हो गया? इनफाइनाइट टाइप का ये हो गया, क्लियर? तो बताइए सारे बच्चों, बताइए आपको क्या टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी समझ में आया? इतना डीप डिस्कशन आपके साथ मैंने किया है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है? इन क्वेश्चंस को भी आपको ध्यान से कर लेना है, और आपकी बुक्स में भी आपको कई क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन डीपीपी सेशन में भी देखेंगे, जेपीपी सेशन में भी कई क्वेश्चन हम इससे रिलेटेड देखने वाले हैं, तो घबराने की टेंशन बिल्कुल नहीं है, ठीक है? तो इस वीडियो में यहीं तक, अगली वीडियो में आएंगे नया टॉपिक लेके।
तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहनें और देखते रहें केजे रेवोल्यूशन। केजे रेवोल्यूशन की तरफ से आप सभी को गुड बाय।